Okay, so good afternoon and welcome to the session, guys. Good afternoon. I welcome you all to this session. So let me give you a brief introduction of mine. So myself, Rajat Pani, and I am NIT Jamshedpur pass out in B.Tech Mechanical Engineering. And I teach physics for JE Mains Advanced and NEET sections. Okay, so I specialized in physics. And I have been taking classes for quite a period of time now, and many successful students have graduated from my class, and I wish them all the best. And I also welcome you to the first session that we are having, right? So before we delve into the journey of physics, let me tell you something very interesting. जैसे कि आपको अभी पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन एक बात तय है कि आपका जेई और नीट कभी कैंसिल नहीं होगा, unless and until the situations are still more dire, right? जो कि जनरली नहीं होगा. अब सिचुएशंस आई थिंक वो इम्प्रूव ही होंगे और ज्यादा खराब नहीं होंगे. बट सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, लेकिन कुछ कारणवश आप लोग टेस्ट नहीं दे पाए, राइट? सो दैट्स समथिंग विच इज विच आई वुड से कि इट डिडंट वेंट वेल विथ यू. बट डू नॉट वरी, आप जेई और नीट की जो तैयारी करेंगे उसमें आप एग्जाम डेफिनेटली दे पाइएगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि जेई और नीट के एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाएं, ठीक है? बिकॉज देयर इज नो अदर वे ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स इफ जेई और नीट एग्जाम्स गेट कैंसल्ड. बट देयर आर अदर वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग योर और इवैल्यूएशन ऑफ योर्स बेसिस व्हाटएवर प्रीलिम्स दैट यू हैव गिवन. सो बोर्ड एग्जाम्स कैन बी कैंसल्ड बट नॉट द एग्जाम्स दैट जेई एंड नीट, द एग्जाम्स ऑफ द नेचर ऑफ जेई एंड नीट, they cannot be cancelled, and the future of a lot number of students depend upon these examinations. So ek baat to rest assured rahi hai ki iske liye jo aap taiyari karoge it will not go in vain, right? So I would start your journey of physics. To aaj ka session thoda sa light hearted rahega, main thoda sa aapko intro dunga and then we will directly go into the topics that we need to understand, theek hai? To sabse pehle main aapko thoda sa ek idea deta hu physics subject ke bare mein. तो फिजिक्स जो है, राइट, आप में से बहुत से लोगों ने फिजिक्स चैप्टर को, इफ यू रिमेम्बर, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने फिजिक्स चैप्टर को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट आपने पढ़ा है. बहुत से लोगों ने इसको साइंस के अंडर ही पढ़ा हुआ है. जैसे कि अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में बच्चों ने इसे साइंस बुक, एनसीईआरटी की जो साइंस बुक आती है उसी के अंदर उन्होंने फिजिक्स पढ़ा है, जो भी पढ़ा है. और अगर मैं आईसीएसई की बात करता हूँ तो आईसीएसई में उन्होंने फिजिक्स की सेपरेट बुक्स, बेसिकली एक सेपरेट बुक ही है उनका जो उन्होंने फिजिक्स के लिए पढ़ा है, राइट? इफ यू आर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, सेलिना पब्लिशर और गोयल पब्लिकेशन. सो दीज आर द डिफरेंट बुक्स दैट वी जनरली यूज फॉर आईसीएसई बोर्ड. सो दे आर वेरी गुड बुक्स. अगर आपने उन्हें अच्छे से पढ़ा है तो आपको फील आएगी कि आप बहुत सारी चीजें जानते हो, ठीक है? दूसरी बात, फिजिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे, राइट? सो थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको देता हूँ. तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूं आपको, इसको करने से पहले आपको एक बेसिक फाउंडेशन या ग्राउंडिंग होनी चाहिए मैथ्स की. इसके लिए मैंने आपको, जितने भी लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, इन सबको मैंने मैथ्स के कुछ बेसिक वीडियोस भेजे हुए हैं. अगर आपको याद है, अगर आपने देखा है, तो मैथ्स के कुछ बेसिक वीडियोस मैंने भेजे हुए हैं. देयर आर अराउंड 25 odd videos, but they are very good videos. मतलब वो videos basically live classes ही थे, तो उनको मैंने record किया और आपको भेजा है. तो अगर आप उन videos को देख सके हो तो बहुत बढ़िया, नहीं देख सके हो तो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कौन सा section देखना है. और अभी जब हम regular पढ़ाई start कर रहे हैं तो मैं कहाँ से start करने वाला हूँ maths, ठीक है? कुछ चीजें कुछ बच्चों के लिए repetition होगी, but that's fine. उतना repetition आप कर सकते हो, आपका concept build up अच्छा होगा, ठीक है? अब देखो, मैथ्स में अगर मैं आपको बताऊं बेसिक आइडिया, मैथ्स में अब तक आपने जो भी स्टैंडर्ड 10th लेवल तक पढ़ा है वो ऑलमोस्ट सब कुछ काम आने वाला है. स्टैंडर्ड 10th तक जो भी मैथ्स आपने पढ़ा है आपके आपके स्कूल में, वो पूरी आपको काम आने वाली है. स्टैंडर्ड 10th तक की मैथ्स, ठीक है, ये आपको काम आने वाली है और आपको फील भी आएगी कि हाँ, ये सब चीजें काम आएगी, ठीक है? इसके अलावा हम दो तीन चीजें और पढ़ेंगे जो आपको पता नहीं है. क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी वेक्टर्स. वेक्टर्स पढ़ेंगे. इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप में से अगर कुछ बच्चों ने जो वीडियोस मैंने भेजे थे या रिकॉर्डिंग्स जो मैंने भेजे थे, अगर आपने देखा होगा तो आपको यहाँ पे वेक्टर्स की समझ आई होगी. इसके अलावा हमें कैलकुलस पढ़ना है.
So before we go full-fledged to the first chapter of physics, which is kinematics, हमें vectors और calculus अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम vectors और calculus अच्छे से पढ़ते हैं, then rest assured आपकी physics बहुत अच्छी होगी। इसमें से मैं ज्यादा emphasis करूंगा vectors के ऊपर। ये बहुत interesting है, बहुत मजेदार है और बहुत ज्यादा use होता है आपके undergraduate level physics में। Undergraduate मतलब जो आप 11th 12th में पढ़ते हो, ठीक है, जिनके basis में आप competition qualify करोगे। तो वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैथ्स लेंगे वो भी वेक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स करने के लिए हमें वेक्टर्स की जितनी जरूरत है हम वही करेंगे। वी विल नॉट डू यू नो नट्स एंड बोल्ट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ वेक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू डू इन मैथ्स, वी विल नॉट डू इट। बट हाँ, फिजिक्स करने के लिए जितना चाहिए वो मैं आपको इसमें आइडिया दूंगा। कैलकुलस आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। तो वेक्टर्स, कैलकुलस, इसके बाद जो चैप्टर आपको करना है अच्छे से वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 10th लेवल में बहुत कुछ किया है। इसके अलावा भी कुछ और चीजें आपको करनी पड़ेंगी जो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा थोड़ा सा मैथ्स में मैं वही चैप्टर ले रहा हूं जो सबने नहीं किया है, जैसे कि लॉगरिदम्स, अगर आपने सुना होगा तो लॉगरिदम्स को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा एम्फेसिस मेरा रहेगा कि मैं वेक्टर्स और कैलकुलस आपको अच्छे से पढ़ाऊं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री आपकी ऑलरेडी समझ है और अगर आप मेरे रिकॉर्डिंग्स देख लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो तरीका क्या होगा कि गिव योरसेल्फ यू नो सम टाइम टू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स दैट आई हैव सेंट अक्रॉस इन द लिंक। इफ यू गो टू माय YouTube चैनल, यू विल फाइंड ऑल दीज रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज, राइट। तो आप ये सब रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, समझ सकते हो और उसमें से आपको पूरा जितना भी लेक्चर है सब आपको काम आएगा फिजिक्स करने के लिए, ठीक है। अब फिजिक्स में चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड 11th में रफली आपको अराउंड यू नो अराउंड अगर हम एनसीईआरटी का सिलेबस देखें तो अराउंड 15 टू 16 चैप्टर्स, और अगर स्टैंडर्ड 12th में हम देखें तो अराउंड आपको 13 टू 14 चैप्टर्स, अगर हम बाइफरकेशन देखें तो इस टाइप से, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ अगर आप चैप्टर्स देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हो जाएंगे आपके 30, ठीक है। इसमें से कुछ चैप्टर थोड़े बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स कम उसका इसमें कवर हो जाएगा कम नंबर ऑफ लेक्चर्स में, बट कुछ चैप्टर्स काफी बड़े हैं, ठीक है। अब फिजिक्स में ऐसा है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टैंडर्ड 11th खराब हो गया, तो मैं स्टैंडर्ड 12th ठीक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड 12th में मैंने स्टैंडर्ड 11th में मैंने फोकस नहीं किया है, भाड़ में जा स्टैंडर्ड 11th मैंने फोकस नहीं किया, स्टैंडर्ड 12th में मैं फोकस करूंगा, आई विल फोकस ऑन स्टैंडर्ड 12th एंड गेट गुड ग्रेड्स इन फिजिक्स। तो मैं आपको पहले से क्लियर करना चाहता हूं दैट इज नॉट फीजिबल इन फिजिक्स। फिजिक्स में मैं आपको बताता हूं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके इनिशियल जो 4-5 चैप्टर्स आप पढ़ोगे, मैं कुछ टॉपिक्स के नाम ले रहा हूं, डू नॉट वरी इफ यू डू नॉट नो देम, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं फिजिक्स में अपने अभी तक का जो एंगेजमेंट है आपका फिजिक्स का, जैसे कि आपने सुना होगा एक चैप्टर किनेमेटिक्स सुना होगा आपने, एक चैप्टर है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सुना होगा आपने, एक चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी सुना होगा आपने, स्टैंडर्ड 9th लेवल में आपने ये सब सुना हुआ है, ठीक है। ये जो तीन चैप्टर्स हैं, दिस फॉर्म्स द यू नो कोर फंडामेंटल्स ऑफ योर एंटायर फिजिक्स सिलेबस। और ये जो तीन चैप्टर्स, तीन या चार चैप्टर्स मैं नाम लूंगा इसमें, तो आपको समझ में आएगा कि ये चार चैप्टर्स जो हैं, ये थ्रू आउट द फिजिक्स कोर्स आता रहेगा अलग अलग फॉर्म में। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि मान लो किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं मुझे किनेमेटिक्स नहीं आती है सर, तो मेरा फिजिक्स अच्छा होगा क्या? सपोज समबडी आस्क मी, आई विल टेल नो, यू विल नॉट गेट द 100% कॉन्फिडेंस, क्योंकि किनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स के बाकी सभी सब टॉपिक्स या चैप्टर्स में आते रहेंगे अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चंस में। सो दीज इनिशियल चैप्टर्स, किनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, राइट, दीज फॉर्म्स योर कोर फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। और फिर एनर्जी कंजर्वेशन के और भी प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है ना, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, दीज फॉर्म्स द कोर फंडामेंटल्स ऑफ योर फिजिक्स। तो अगर ये चैप्टर्स आपके सही नहीं हुए तो आप स्टैंडर्ड 12th के भी चैप्टर्स में जब जाओगे यू विल फंबल। व्हाई यू विल फंबल? बिकॉज़ आपको स्टैंडर्ड 11th का एप्लीकेशन इन चैप्टर्स में दिखेगा। अब फिजिक्स में होता क्या है, सुने ध्यान से, फिजिक्स में होता क्या है कि स्टैंड अलोन टॉपिक्स बहुत कम है।
सी आज का जो लेक्चर है ना, आज का लेक्चर से मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली सब कुछ सीख जाओगे, बट आज के लेक्चर से मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, सो दैट यू कैन गेट अ गुड ग्रास्प कि हाँ हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमने 11th को पूरा फालतू कर दिया और 12th में हमारी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टैंड अलोन चैप्टर्स आर वेरी फ्यू इन फिजिक्स। What is the meaning of standalone chapters? What is the meaning of standalone chapters? Standalone chapters मतलब ऐसे chapters जिनका किसी और chapter से कोई लेना देना नहीं है, जिनका किसी और chapter से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे chapters आपको physics में बहुत कम मिलेंगे। आप kinematics पढ़ोगे, laws of motion पढ़ोगे, force पढ़ोगे, velocity पढ़ोगे, इन सब का एप्लीकेशन आपको फिजिक्स के पूरे सब्जेक्ट में, पूरे कोर्स में आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग चैप्टर्स पे मिलेगा। तो अगर आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है अच्छे से, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज बाद में अलग चैप्टर्स पे नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो चैप्टर्स में आपको, एज यू विल प्रोसीड विद दिस कोर्स, आई विल लेट यू नो कि देखो बेटा ये चैप्टर स्टैंड अलोन चैप्टर है, इसका किसी चैप्टर के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, मैं बोल दूंगा। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको दूसरे किसी चैप्टर की कोई जरूरत नहीं है, ये भी मैं बोल दूंगा आपको। ऐसा अगर कोई चैप्टर है, ऐसे हैं, बहुत फ्यू हैं, लेकिन टोटल 30 में से बहुत फ्यू चैप्टर्स, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए पूरा फिजिक्स इंटरडिपेंडेंट है। इसीलिए आपकी 11th इक्वली इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 12th। तो ऐसा मत सोचना कि 11th के चैप्टर्स हमारे अच्छे नहीं हुए, कोई बात नहीं मैं 12th के 12th में चैप्टर्स को अच्छा कर लूंगा एंड आई विल डू गुड इन फिजिक्स। दैट प्रोबेबली इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज नॉट अ चैप्टर वेयर स्टैंड अलोन थिंग्स कैन हैपन। आप स्टैंड अलोन चैप्टर्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपको बायोलॉजी और फिजिक्स में, और सॉरी केमिस्ट्री में मिलेगी, बट फिजिक्स में स्टैंड अलोन चैप्टर्स पाना बहुत डिफिकल्ट है। दैट मेक्स फिजिक्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंट्रिगिंग एज वेल एज डिफिकल्ट। अगर आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आया, मैंने आपको बताया है कि ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है, और अगर आपको वो समझ में नहीं आया है, तो मेक श्योर कि आप कहीं ना कहीं फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। तो आपको जब बताया जाए कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की आपको प्रॉपर समझ होनी चाहिए, गिव योर हार्ट एंड सोल टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, मैंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि स्टैंड अलोन चैप्टर्स आर वेरी फ्यू इन फिजिक्स। बहुत कम चैप्टर्स होंगे जो स्टैंड अलोन होंगे, उनको सिर्फ करके जाओ और बाकी सबसे कोई डिपेंडेंस नहीं है, ऐसे चैप्टर बहुत कम मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो कोई भी चैप्टर में आगे जब आपको बढ़ना है, तो आप इंश्योर कीजिए कि आपको ये चैप्टर करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो हमें समझ में आए। अब मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि कोई भी चैप्टर के बिगिनिंग में, सुनना ध्यान से, चैप्टर के बिगिनिंग में मैं आपको ये बताता हूं कि उस चैप्टर को करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है। पहले मैं आपको ये बताता हूं, तो वो चैप्टर करने के लिए क्या कोई पुराना फिजिक्स का चैप्टर मुझे चाहिए, क्या कोई मैथ्स का टूल हमें चाहिए, तो वो सब चीजें मैं बताता हूं। तो जब भी चैप्टर के बिगिनिंग में ये प्री रिक्विजिट्स आपके सामने आए, तो आप सबसे पहला काम करें कि ये प्री रिक्विजिट्स को आप अच्छे से समझें। अगर आप उसमें से कुछ भी भूल चुके हो या कुछ याद नहीं है आपको, उसे रिकैप करें, फिर आप क्लास में आए। क्योंकि ये प्री रिक्विजिट मैं आपको बोल दूंगा कि दीज आर द प्री रिक्विजिट, सो डू यू रिमेंबर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इफ योर आंसर इज यस, गुड। इफ योर आंसर इज नो, गो रिवाइज, कम बैक, एल्स यू विल फाइंड दैट चैप्टर डिफिकल्ट। ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात सुने ध्यान से, फिजिक्स अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, अगर फिजिक्स डिफिकल्ट लग रहा है, इफ यू आर फाइंडिंग फिजिक्स डिफिकल्ट, most of the time the answer to this lies in whether you have understood vectors and calculus or not. Most of the time question will lie here or the answers will lie here. ki aapne sune dhyan se, bahut important baat bata raha hu main, ki agar aapko physics difficult lag raha hai, तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, और मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स हैं, जो एक्सपीरियंस हैं जो बच्चों को पढ़ाने में, उनको यही लगता है कि फिजिक्स ना समझ आने के कारण रीजन ये है कि बच्चों को वेक्टर समझ नहीं आया, या वेक्टर बच्चों को कैलकुलस समझ नहीं आया।
अगर वेक्टर्स और कैलकुलस ये चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो आपको फिजिक्स का जर्नी टफ रहेगा। तो हम पहले कुछ दिनों में, 7-8 दिनों में या 10 लेक्चर मोस्टली आप पकड़ लो, हम बेसिक मैथमेटिकल टूलकिट की बात करेंगे जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स भेजे हुए हैं, बट हाँ इस बार हम टू द पॉइंट रहेंगे बिकॉज वो लेक्चर्स मैंने बच्चों को काफी इत्मीनान से अच्छे से पढ़ाया है। वो लेक्चर्स आपके पेरूजल के लिए अवेलेबल है, उनको देखिए। और अभी जो लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर्स को मैं क्या करने वाला हूँ, वो लेक्चर्स को मैं जो पेस में हमें जाना चाहिए उसी पेस में हम आगे बढ़ेंगे, सो दैट वी आर एबल टू कंप्लीट अ लार्ज सेक्शन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल टूलकिट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो ऐसा पकड़ लो कि आज का लेक्चर तो इंट्रो में जाएगा और कुछ चीजें हम स्टार्ट भी कर देंगे, इसके बाद वाले लेक्चर से हम जो भी चीजें करेंगे हम टाइम बाउंड तरीके से, और आपको डेली बेसिस में कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स दिया जाएगा, उन्हें करें, उन्हें असाइनमेंट्स को करें अच्छे से, और वो असाइनमेंट करने के बाद डेली बेसिस का डेली वर्क डेली कंप्लीट करते चले। इनिशियली आपका चैलेंज रिविजन का नहीं होगा, इनिशियली आपको सब आएगा, इनिशियली आपके टेस्ट के मार्क्स भी अच्छे आएंगे। जैसे ही पहला चैप्टर किनेमेटिक्स खत्म होगा और दूसरा चैप्टर में हम आएंगे, उसी टाइम पर मैं आपको बोल दूंगा कि किनेमेटिक्स की रिविजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर का लोड आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप चीजें भूलते जाओगे, एंड देयर वेयर द रियल चैलेंज विल स्टार्ट। क्योंकि मैं आपको फिर से बताता हूं, इट्स नॉट कि आपने चैप्टर कर लिया या नहीं, दैट विल नॉट डिसाइड योर स्कोर। योर स्कोर विल बी डिसाइडेड कि आपने कितना किया है और आप कितना रिटेन कर पा रहे हो। और फिजिक्स में मैं फिर से आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सुन के, अगर आप फिजिक्स को समझे और प्रॉपर रिविजन कर रहे हो और सब चीज आपके दिमाग में है, तो इससे ज्यादा स्कोरिंग और इजी चैप्टर आपको कुछ नहीं लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे हो, आपको जैसा बोला गया वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो, देन यू विल लूज ग्रिप। बिकॉज आप प्रॉब्लम क्या होगा ना कि आपको चीजें याद ही नहीं रहेंगी। सपोज आपका 15वां चैप्टर चल रहा है और आपको आगे के 7 चैप्टर कुछ याद ही नहीं है, बेटा क्या था यार, मैं भूल गया, फॉर्मूला भूल गया, कॉन्सेप्ट ही भूल गया मैं, ये ले। अगर ये सिचुएशन आ गई ना, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो अपने को इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बचाना है, उसके लिए प्लान क्या होता है, एक तो आपको अपनी प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी बनानी होगी जो मैं आपको हेल्प करूंगा, प्लस हमारा एक पर्टिकुलर चैप्टर के बाद हमारी पुरानी चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट हो जाती है, रिवीजन शीट, क्लास डिस्कशन, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है, तो उससे भी आप रिवीजन ट्रैक पे आपकी रहेगी, दैट्स फाइन। बट आपको कॉन्स्टेंटली फिजिक्स डेली बेसिस पे करना है। फिजिक्स में ओवरनाइट स्टडी से मार्क्स नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत से बच्चे यहाँ पे पीसीएमबी लेते हैं, तो बायोलॉजी अगर आप लेके पढ़ाई कर रहे हो तो बायोलॉजी में आप ओवरनाइट पढ़ाई करो, देखना दूसरे दिन आपका स्कोर बढ़ेगा, फिजिक्स में नहीं बढ़ेगा। फिजिक्स विल टेक इट्स टाइम फॉर यू टू एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट्स एंड अप्लाई इट। और सबसे बड़ी बात यह है, सुनना ध्यान से, आप सबको मैं एक चीज बताता हूँ, बुरा मत मानना, ये चीज है। देखो आस्क योरसेल्फ, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको लर्च में छोड़ दूंगा, लेकिन आपको अगर कोई बोलता है कि मैथ्स की जरूरत ही नहीं है, नहीं ये गलत है। आपको वेक्टर्स और कैलकुलस की समझ होनी चाहिए तभी आप फिजिक्स अच्छे से कर पाओगे, ये फैक्ट है। अगर आप वेक्टर्स और कैलकुलस की समझ आपकी अच्छी नहीं है तो आप फिजिक्स अच्छे से नहीं कर पाओगे, जो क्लास 12th लेवल की फिजिक्स है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा, वो आपको करना आना चाहिए, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप चीजों को अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाओगे और याद भी रख पाओगे, समझ भी पाओगे, अप्लाई भी कर पाओगे। अगर आपका वेक्टर्स और कैलकुलस अच्छा नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स हु फंबल इन फिजिक्स, इट्स ओनली बिकॉज दे डू नॉट हैव अ गुड ग्रास्प ओवर वेक्टर्स एंड कैलकुलस। तो वेक्टर्स एंड कैलकुलस की प्रॉपर ग्रास्प होनी चाहिए। अब वेक्टर्स में जितने पार्ट्स होंगे मैं आपको बताता हूं, मैं एकदम सही तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, कुछ पार्ट जो हमें पहले चैप्टर में जरूरत होगी वो मैं पहले आपको बताऊंगा, और कुछ पार्ट जो हमें वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से लगेगा वो वाला पार्ट में वर्क पावर एनर्जी के वक्त बताऊंगा, सो दैट जब रेलेवेंट हुआ वो चीज तभी आपको बताया जा रहा है और तभी आप उसे कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, इससे कम टाइम पे आप सब कुछ सीख सकते हो। अभी वेक्टर्स को पूरी तरीके से मैं डील नहीं करूंगा, कुछ सेक्शंस में छोड़ दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये इस टाइम पे पढ़ाऊंगा मैं, तो उस टाइम पे जब वो पर्टिकुलर चैप्टर आएगा जहां पे उस कॉन्सेप्ट का यूज होगा उस टाइम पे मैं आपको वो चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोल चुका हूं कि फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथ्स, तो वेक्टर्स कैलकुलस आपको समझ में आना चाहिए, 10th तक की आपकी जो मैथ्स है वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चों ने क्लास 10th के मैथ्स में अच्छा किया होगा, लेकिन
क्लास टेंथ के मैथ्स में अच्छा करना और फिजिक्स में उसे अप्लाई करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने अगर मेरे बेसिक मैथ्स ट्रिक्स फॉर फिजिक्स वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपने मैं आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत सारी चीजें उसमें से नहीं लगी होगी। हाँ, ये चीजें मुझे पता नहीं थी कि ऐसा यूज होता है। तो आप उन वीडियोस को अच्छे से कंज्यूम करें और उनका प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। अभी जैसा कि मैं आपको बताता चलूंगा विथ टाइम कि जो भी चीजें आप लेक्चर में भी देखोगे, सो आई डू नॉट हैव टू स्पीक मोर ऑन दिस, आई हैव गिवन यू अ रफ आइडिया एज टू व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन, राइट, और एज एंड व्हेन वी विल कंटिन्यू, एज एंड व्हेन हमारी स्टडीज चलती रहेंगी, मैं आपको गाइड करता रहूंगा कैसे करना है। पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक मैथ्स टूलकिट जो है वो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक जनरल गाइडलाइन दूंगा कि आपको घर में पढ़ाई कैसी करनी है, और वो गाइडलाइन सेशन एक सॉर्ट ऑफ सेमिनार होगा जो मैं आपके साथ आपके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अटेंड दोस सेशंस, लर्न हाउ यू नीड टू डू फिजिक्स एट होम एंड स्टिक टू दैट पॉलिसी फॉर द एंटायर 2 years ड्यूरेशन। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू क्रैक इट बिग टाइम, बट डू दैट द वे इन विच आई एम टेलिंग यू टू डू। इफ यू डू इट, यू विल गेट मार्क्स, यू विल क्वालिफाई, यू विल गेट मार्क्स एंड फिजिक्स विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो आपको जैसा बोला जाए वैसा करते चलो फिजिक्स, ठीक है। दूसरी बात कि यू नो आपको आपके स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज में जो भी चीजें आपको स्कूल से आ रहा है असाइनमेंट, कोशिश करें कि वो स्कूल में ही आप कंप्लीट कर ले रहे हो। क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं आपसे, तो आपको उसमें भी खरा उतरना है और स्कूल में भी अच्छा करना है। तो इसके लिए आप स्कूल के वर्क को स्कूल में ही कंप्लीट करने की कोशिश करो, ऐसा जो भी आपके रिसेस मिलेंगे, ब्रेक्स मिलेंगे, उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि घर आने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ जेई की या नीट के ऊपर फोकस कर सको। क्योंकि आप फिजिक्स जब करोगे तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन कुछ होगी कि आप कुछ ना कुछ चीजें कर रहे हो डेली बेसिस में, तो आपको उस एक्सपेक्टेशन में खरा उतरना है, आपको इंडिविजुअल टीचर्स के टेस्ट में भी अच्छा करना है, तो वो करने के लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना होगा। अब दूसरी बात सुनना ध्यान से, देखो आपने 10th लेवल में जैसी पढ़ाई की थी आपको थोड़ा सा उससे बाहर आना पड़ेगा, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देखो 10th में आपके पास सिर्फ एक किताब थी या दो किताब थी या तीन किताब थी, बस उसी को करना था। आपको अगर 2 दिन का भी ब्रेक मिलता था बीच में एग्जाम से पहले, तो आप वो 2 दिन में पूरी बुक पढ़ लेते थे एक बार। यस और नो, डू यू एग्री विद नॉट, हैंड्स इन योर हार्ट टेल मी। अगर आपको 3 दिन का ब्रेक मिला है, मुझे अभी यहाँ पे एक रेस्पॉन्स चाहिए, अगर 3 दिन का ब्रेक मिल रहा है, क्या तुम पूरी की पूरी बुक पढ़ देते थे 3 दिन में? सारे के सारे क्वेश्चन 5 बार पढ़ लेते थे पक्का? मतलब ये होता ही होता है भाई, 10th लेवल में उतना सिलेबस ही नहीं, तो ये होता है और सब बच्चे ये करते हैं, ये होता ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी सिचुएशन अलग हो जाएगी बेटा, अभी अगर तूने कुछ किया नहीं है ना और तुमको 2 दिन का टाइम मिला है ना, तुम बोलोगे बेटा मैं 2 दिन में जो मैंने किया है, जो मेरे को समझ में आया, जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वही चीजें मैं अच्छे से कर लूं, मैं एग्जाम में स्कोर कर लूंगा, कोई नया चीज करूंगा, उसको एब्जॉर्ब करके अप्लाई करने के लेवल तक आना, इट टेक्स टाइम। और एक ही सब्जेक्ट है जो आपको इस हिसाब से चैलेंज करेगा, एंड दैट इज फिजिक्स। इसमें एब्जॉर्ब करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आंसर्स लाने हैं। इट इज नॉट बायरॉटिंग और बाय, आपको ऐसा बायरॉट कुछ यू नो कुछ स्टैटिक फैक्ट्स याद नहीं करने कि ये होता है तो ये होगा, नहीं यार, आपको एक अलग क्वेश्चन ही मिल गया पूरा ऑल टुगेदर, आपको वहां पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं, सिचुएशंस अप्लाई करने हैं, कैसे करोगे अगर आपने प्रॉपर उसके ऊपर कोजिटेट नहीं किया, उसके ऊपर टाइम नहीं दिया, कॉन्सेप्ट नहीं समझे, अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, डू नॉट विथ नो हार्ड फीलिंग टू एनी वन, कोई भी मतलब कोई हार्ड फीलिंग नहीं है मेरे किसी प्रति, लेकिन एक चीज याद रखना, अपने आप से हमेशा पूछना, अगर तुम मैथ से डरते हो तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैथ से तुम ना डरो, और ऑब्जेक्टिव अभी सिर्फ है वेक्टर्स और कैलकुलस, और 10th लेवल तक की जो मैथमेटिक्स है उसमें पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा काम आएगा, कोऑर्डिनेट काम आएगा, ज्योमेट्री काम आएगा, ठीक है ना। तो ये जो 3-4 टॉपिक्स मैंने नाम लिए हैं, इनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए, तो आपको दिखेगा सिचुएशन, हाँ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैं जहां जहां पे अपॉर्चुन टाइम आएगा मैं आपको बताता चलूंगा कि यहाँ पे आप देखिए कैसे आपने 10th लेवल का मैथ्स यूज किया, तो I would let you know। और इसको गाइडेंस के लिए मैंने जो बेसिक मैथ्स ट्रिक्स इन फिजिक्स का जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजा हुआ है, वो रिकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज है, उनको अच्छे से देखो, आपको फील आ जाएगी हाँ सर क्या बोलना चाहते, ठीक है। सो दिस इज हाउ
योर जर्नी ऑफ फिजिक्स विल बी, ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया है, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं और उसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम विदाउट एनी अडो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर जो मैं बेसिक मैथ्स ट्रिक्स पे लूंगा और वो है वेक्टर्स। सो आई इंटेंड टू स्टार्ट वेक्टर्स टुडे। तो द वे इट विल वर्क इज, लिसन टू मी, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं कुछ चीजें आज लेक्चर में मैंने प्लान किया है कि मैं क्या क्या चीजें आज पढ़ाऊंगा, मैं वो चीजें आपको पढ़ाऊंगा। तो वो चीजें पढ़ाने के बाद मैं आज एक सिनॉप्सिस भी आपको भेजूंगा। तो जैसा मैंने सिनॉप्सिस भेजा है उस टाइप से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो आई वुड सेंड यू अ सिनॉप्सिस एट द एंड ऑफ द क्लास टुडे कि मैंने ऐसा प्लान किया है कि लेक्चर वन और टू में मैं क्या क्या चीजें कवर करूंगा, कैसे कवर करूंगा, और ऐसे आपको इसका सिनॉप्सिस बनाना है। प्लस इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको भेजूंगा, ठीक है ना। क्लास प्रैक्टिस में भी हम क्वेश्चंस लेंगे। सो और फिर घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, घर पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करना है मैं आपको मटेरियल सब पता चल जाएगा विद इन 7 days स्पैन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो अभी फिलहाल यू नो जितना बोला जाए उतना करें, 7-8 दिन के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे होता है, ये सब चीजें होती है, एंड यू विल बी एबल टू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहली बात हम ये जानना चाहते हैं कि वेक्टर्स होता क्या है। वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। सब लोग अपना कॉपी निकालें प्लीज, जस्ट डू नॉट स्टार्ट लुकिंग एट इट, इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन रिमेंबर और रिकलेक्ट, यू हैव टू राइट डाउन समथिंग इन योर कॉपी, राइट। सो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, सो प्लीज एवरी वन टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये आपको पता है, इनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्वांटिटी की सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है उन्हीं को हम वेक्टर नहीं बोलते, इसके साथ साथ एक और कंडीशन है, एंड फिजिकल क्वांटिटीज शुड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एलजेब्रा। तो वेक्टर एलजेब्रा के लॉज क्या क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट लॉज दैट वी आर हैविंग ऑफ वेक्टर एलजेब्रा, वो है एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ऐसे कुछ वेक्टर्स के रूल्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है प्लस वो रूल्स ऑफ वेक्टर एलजेब्रा फॉलो करती है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे वेक्टर्स। और कौन कौन से लॉज हैं वेक्टर एलजेब्रा के, ये है एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल, ये सब डिफरेंट रूल्स हैं। अभी मैं पहले यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको कि मल्टीप्लीकेशन रूल जो है, ये रूल मैं आपको जस्ट एक रफ कट आइडिया दूंगा इसका अभी कि ये क्या होता है, लेकिन इसका जो यूज है इसका यूज आपको पहले चैप्टर में नहीं मिलेगी, दूसरे चैप्टर में भी नहीं मिलेगी। इसका यूज स्टार्ट होगा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से। WPE स्टैंड्स फॉर वर्क पावर एनर्जी, मैं लिख देता हूं यहां पे वर्क पावर एनर्जी। यहां से आपको मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ वेक्टर्स का यूज मिलना स्टार्ट होगा। तो मल्टीप्लीकेशन रूल के बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे जब हम वर्क पावर और एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम जस्ट इसका एक रफ आइडिया लेंगे कि ये होता क्या है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कब, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम ज्यादा फोकस करेंगे एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ये दो रूल आपको मेजरली अभी काम आएंगे पहला और दूसरे चैप्टर ऑफ फिजिक्स में, तो इसको हम लोग पहले अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जहां पे जिसका यूज है वहीं पे उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि हमारा बर्डन भी कम हो और जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हम यूज भी कर सके, तभी हम फिजिक्स जल्दी और अच्छे से सीख पाएंगे। क्लैरिटी है। आई नीड अ रेज ऑफ हैंड। सो वी अंडरस्टूड कि देयर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ वेक्टर एलजेब्रा। कौन कौन से रूल है, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल हमको सिर्फ थोड़ा सा बताएंगे कि ये होता क्या है, लेकिन इसका नट्स एंड बोल्ट्स हम लोग सीखेंगे जब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर करेंगे, वहां पे सर इसके बारे में डिटेल में बताएंगे क्योंकि वहीं पे इसका यूज पहली बार हमें देखने को मिलेगा, तो वहीं पे हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है।
अच्छा आइए, तो ये लॉज फॉलो होने चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो प्लस जो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो उन्हें हम लोग बोलेंगे वेक्टर्स। इसका एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा क्यों बोला सर आपने, मैं बताता हूं। देखो अगर आप करंट लो, करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, करंट की मैग्नीट्यूड भी होती है एंड डायरेक्शन भी होती है, बट इट इज नॉट अ वेक्टर। ये वेक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लॉ वेक्टर एलजेब्रा सेटिस्फाई नहीं करता। अब ये लॉ वेक्टर एलजेब्रा कैसा है आप समझ जाओगे। तो फिलहाल आप इस पॉइंट को नोट करो कि करंट सर ने बोला था एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, आप भी समझ पाते हो करंट की मैग्नीट्यूड भी है, एक मैग्नीट्यूड होती है 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, और उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, लेकिन वो वेक्टर एलजेब्रा को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए करंट को हम लोग वेक्टर नहीं बोल सकते। करंट एक्चुअली एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंसर, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसको हम बोलते हैं टेंसर, क्या बोलते हैं, टेंसर, बट टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक पासिंग कमेंट देके इसको छोड़ रहा हूं। तो कभी भी आपको अगर वेक्टर करंट क्या क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, अगर टेंसर भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो टेंसर को क्लिक करें, और अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं दिख रहा है तो आपको स्केलर टिक करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ वेक्टर। क्यों वेक्टर नहीं है, इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो है बट वो वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। कैसे फॉलो नहीं करता है वो मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप इस पॉइंट को नोट करें। क्या क्लैरिटी है ये, इसको नोट करें फास्ट, एवरीवन टेक इट डाउन इन योर कॉपी फास्ट, टेक इट डाउन इन योर कॉपी फास्ट। ओके, टेक इट डाउन इन योर कॉपी, लिख लिया सबने क्विकली, सबने लिख लिया, मैं बढ़ जाऊं आगे, सलाइ मूव टू द नेक्स्ट पेज, गुड, सबने लिख लिया है, सब लोग अपने कॉपी में लिखते चलो, एवरीथिंग शुड बी इन योर कॉपी, डू नॉट वरी, द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स, डू नॉट वरी, ऑल द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन ड्यू कोर्स एंड यू विल गेट एवरीथिंग, बट फिलहाल अपना नोट्स बनाए, इट्स अ गुड हैबिट दैट यू आर राइटिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग व्हिच यू सीइंग इन द व्हाइट बोर्ड, इट शुड बी इन योर कॉपी, ठीक है। आइए अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स का पहला कैटेगराइजेशन है इक्वल वेक्टर्स, किन वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स, इसका मैंने एक डेफिनेशन आज आपको सिनॉप्सिस भेज दूंगा इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स इक्वल होंगे अगर, टू वेक्टर्स विल बी इक्वल इफ, if they have same magnitude, direction and units. मतलब क्या? देखो suppose मैंने एक vector लिया displacement, ठीक है, suppose if I say displacement, और दूसरा vector लिया force, suppose दोनों की magnitude 5 है, ठीक है, दोनों सपोज 5 meters और ये है टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 5 newton टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ध्यान से सुनना, टूवर्ड्स नॉर्थ दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट दोनों का क्या सेम नहीं है, यूनिट। ये देखो इसका मीटर है, इसका न्यूटन है, आप मीटर और न्यूटन समझते हो, राइट, बेसिक इतना तो आपको पता ही है, राइट। तो 5 meter टूवर्ड्स नॉर्थ, 5 newton टूवर्ड्स नॉर्थ, तो एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या ये इक्वल वेक्टर्स हुए, नहीं, ये इक्वल वेक्टर नहीं हुए। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एंड व्हाट एल्स, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, एंड व्हाट एल्स, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, एंड
एंड यूनिट सेम, अभी जो चीज पढ़ा है। देखो बहुत बार बच्चा क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम तो इक्वल वेक्टर है, गलत है। अगर एक फोर्स वेक्टर हुआ और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ तो क्या ये दोनों सेम होंगे क्या? नहीं, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरे की अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। सो दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या जरूरी है? दे हैव सेम मैग, सेम डायरेक्शन एंड सेम यूनिट्स, तभी ये दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आई है? सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ आपके लिए कुछ डेफिनेशंस बनाए हैं, आज आपको पता चलेगा, मैं आपको भेज दूंगा ये। उसके बाद देखो मैंने कुछ चीजें लिखी है, पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? दो वेक्टर पैरेलल तब होंगे जब उनकी डायरेक्शन सेम हो। दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब उनकी डायरेक्शन सेम हो। सो टू वेक्टर्स विल बी कॉल्ड पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल होंगे इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो एक फोर्स वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं अगर उनकी डायरेक्शन सेम है। तो 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, इक्वल नहीं होंगे। समझ में आई बात? ये पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन होना इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर, बट सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम यूनिट्स होना इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्वल वेक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes or no? I need a raise of hand. Simple सी बात है, कोई खास बात नहीं है, simple, ठीक है ना? इनको बोलेंगे क्या? इनको बोलेंगे parallel vectors, ठीक है? Both have the two vectors do parallel if they have the same direction. अच्छा, अब सुनना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से यहाँ। देखो important क्या है कि अगर मैं एक vector को मैंने, सुनो ध्यान से, सुनना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, बट इसका अंडरस्टैंडिंग आपको जब इसके लॉजिक पे समझेंगे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं कैटेगराइजेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? एनी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन नेगेटिव स्केलर, any vector multiplied by a non-negative scalar is a vector which is parallel to original vector. ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं parallel vector। ठीक है, तो parallel vector बनने के लिए किसी भी vector को अगर हम multiply कर दें एक non-negative scalar से तो इट्स अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द ओरिजिनल वेक्टर। समझ में आया? तो इसको हम लोग समझेंगे अब, ठीक है? इस पॉइंट को सिर्फ अभी नोट करके रखो, इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है ना? आगे अब सिर्फ कैटेगराइजेशन हो रही है, उसके बाद क्या है? उसके बाद जैसे पैरेलल वेक्टर नाम दिया, वैसे एक और वेक्टर इसे हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या हो जाता है? सिंपल सी बात है, एंटी पैरेलल वेक्टर नाम ही सफिशिएंट बता रहा है। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन और their directions are parallel to each, anti-parallel to each other. So two vectors are anti-parallel. लिखें सब लोग, two vectors are anti-parallel if they have opposite direction. यहाँ पे मैं एक point note कराना चाहूंगा, जैसे parallel vector था वैसे, कि any vector multiplied by a negative scalar मतलब any number is a vector which is anti-parallel to original vector. Did you understand this? This is known as anti-parallel vector. So two vectors कब anti-parallel होंगे? जब उनकी direction opposite रहेगी, ठीक है? They will be known as anti-parallel vector. ठीक है? Next है collinear vectors. तो ये कुछ vector के categorization है, डरिएगा नहीं।
कलीनियर वेक्टर्स। कलीनियर क्या होता है? कलीनियर लाइंस आपने पढ़ा होगा। टू वेक्टर्स सुना होगा आपने। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कलीनियर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कलीनियर इफ दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट्स। दे आर सेड टू बी कलीनियर वेक्टर। सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट्स, दे विल बी नोन एज कलीनियर वेक्टर। ठीक है, दे आर कलीनियर। सो सेम, दे हैव द सेम सपोर्ट, सेम और पैरेलल नहीं, सेम सपोर्ट, देन दे आर कॉल्ड एज कलीनियर वेक्टर। इफ दे हैव द सेम सपोर्ट, सेम सपोर्ट मतलब क्या? We will see this. ठीक है ना? सपोर्ट मतलब क्या? What is the meaning of support? तो दिस इज कलीनियर वेक्टर। ठीक है, कैटेगराइजेशन कर रहा हूं अभी, घबराइए मत। ठीक है ना, दिस इज नोन एज कलीनियर वेक्टर। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है एक कैटेगराइजेशन जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होता है बेसिकली यू नो वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। आपने पढ़ा होगा इसे एक्स, इसे वाई और इसे जेड एक्सिस बोलते हैं। तो इन वेक्टर, इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इनका एक स्पेशल नामकरण होता है। एक्स एक्सिस की तरफ वाले वेक्टर को बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ वाले को बोलते हैं जे कैप और जेड एक्सिस की तरफ वाले बोलते हैं के कैप। ये कैप क्या है सर? समझ में आएगा, चिंता मत करो। इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सुना है क्या आपने? आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है तो आपने ये पक्का सुना होगा स्टैंडर्ड 10th में, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सुना है क्या? सुना है, पक्का सुना होगा। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या? देखो, एक्स क्रॉस वाई जेड आपकी तरफ आएगा, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है ना, एक्स क्रॉस वाई, एक्स की तरफ अपना राइट हैंड रखो, वाई की तरफ मूव करो, जिधर आ रहा है थंब वो है जेड कोऑर्डिनेट या जेड एक्सिस। तो इसको राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर होता है उसे हम लोग बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप और जेड एक्सिस की तरफ के कैप। कैप क्या है? आ जाएगा, समझ आएगा, चिंता मत करो। ये अब सिर्फ नामकरण चल रहा है ये। ठीक है ना, तो ये मेजर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए, कलीनियर वेक्टर हो गए, लाइक आपके लाइक वेक्टर्स हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ये सब कुछ कैटेगराइजेशन है। इसके अलावा भी कुछ कैटेगराइजेशन है जो मैंने आपको एक सिनॉप्सिस नोट्स में दिया हुआ है। तो ये कुछ वेक्टर्स के कैटेगराइजेशन है जो हमें काम आते हैं। ठीक है ना, तो इन सबको हमें समझना है। कुछ और कैटेगराइजेशन भी है जो मैंने नोट्स में डाला है, वो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, आपको नोट्स में वो दिख जाएगा। क्या यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है? क्या यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है? इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क। क्या क्लियर है ये कैटेगराइजेशन? कैटेगराइज कर रहा हूं, घबराना नहीं, बिल्कुल हम लोग इसके बारे में सब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अब देखिए मेन मुद्दे पे आते हैं। आइए, अब जो है यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। अब इसमें कुछ और कैटेगराइजेशन है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर, यू नो, फिर यूनिट वेक्टर, राइट, ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन है, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। तो मैंने कुछ कैटेगराइजेशन लिख दिए हैं, वो आप नोट्स में देख लेना, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग है। उनको अप्लाई कैसे करना है उसी के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, तो वी विल सी इट। ठीक है ना, अब सुनना, अब हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। यहां से आपकी रियल पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब समझे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच? 4:52। सो आई हैव अराउंड 10 मिनट्स मोर, सो आई विल लीव यू एट एग्जैक्टली 5:01 और 5:02। ठीक है ना, ध्यान सुनना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। एक तरीका है ग्राफिकल और दूसरा तरीका है मैथमेटिकल।
समझे। तो ग्राफिकल तरीका क्या है, व्हाट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ग्राफिकली? ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विथ अ हेड एंड अ टेल, विथ अ हेड एंड अ टेल। अब ये हेड और टेल जिस लाइन के ऊपर बनाई जाती है इसी लाइन को बोलते हैं सपोर्ट, इसी लाइन को बोलते हैं सपोर्ट। याद करो ये सपोर्ट वर्ड आपको मैंने यहां पे दिखाया था, कहां पे? कलीनियर वेक्टर, देखो सेम सपोर्ट। तो जिस लाइन के ऊपर हेड और टेल बनाई जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सपोर्ट। ठीक है, ये एक टर्म है जो कि आपको समझना है, आई कैनॉट चेंज इट, यही टर्म यूज होता है, सो वी हैव टू यूज इट। तो जिस लाइन के ऊपर हम हेड और टेल बनाए वेक्टर का उसे हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, जिस बेस लाइन के ऊपर ये बनाया गया उसे हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, तो ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विथ एन एरो जिसका एक हेड होगा और जिसका एक टेल होगा। अब सुने ध्यान से, इसकी जो लंबाई है किसकी, इस एरो की, ये दिखाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। एंड टेल टू हेड डायरेक्शन जो है, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो टेल टू हेड की डिस्टेंस मैग्नीट्यूड देगी और टेल टू हेड की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर देगी। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ग्राफिकली वेक्टर्स को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एरो का अपना मतलब है, ऐसा मत समझ लेना कि इस एरो का कोई मतलब नहीं है। एरो ऐसे ऊपर लिखाया गया मतलब एक वेक्टर दिखाया जा रहा है। अगर मान लो ऊपर ऊपर हेड है और नीचे टेल है, इसका मतलब वो वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो वेक्टर का हेड ऊपर है टेल नीचे, उस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। क्या बात समझ में आ रही है? और टेल से हेड की जो दूरी होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। समझे आप? तो वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है एरो से, उसका एक हेड होता है उसका एक टेल होता है, हेड से टेल की दूरी जो है मैग्नीट्यूड है, और टेल से हेड की जो डायरेक्शन है वो है क्या? वो है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, मैथमेटिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अब देखो, ये जो है ए वेक्टर, दिस विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ये चीज को समझना है आपको। दिस इज द वेक्टर। अब ये वाला पार्ट क्या है? ए, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और ये जो ए कैप वाला पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये कैप आपने इससे पहले कहीं पे देखा था, याद करो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। ये जो आई कैप है, दिस हैज गॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ टेलिंग यू द डायरेक्शन। सिमिलरली किसी भी वेक्टर को हमेशा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की मदद से उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर हम एक वेक्टर बोल रहे हैं तो उस वेक्टर की एक मैग्नीट्यूड होगी और उसकी एक डायरेक्शन होगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाए तो वो वेक्टर नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन हो जाए तो भी वो वेक्टर नहीं होगा। तो वेक्टर डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये? तो दोनों चाहिए तभी मैग्नीट्यूड सब तभी वेक्टर डिफाइन होता है। तो मैथमेटिकली वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू ए इनटू ए कैप। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बिकॉज ये जो नोमेनक्लेचर है ये काफी कंफ्यूजन होता है इनिशियली बच्चों के लिए, थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं ये समझें। तो जब हम मैथमेटिकली वेक्टर को लिखते हैं, फील कीजिएगा ये जो डिस्कशन है इसको आपके कॉपी में अच्छे से लिखना है, अभी लिखो। वैसे अगर आपको लगता है कि आप नहीं लिख पा रहे हो तो आपको बाद में रिकॉर्डिंग से इस चीज को उतार लेनी है। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, सुने ध्यान से। मैथमेटिकली वेक्टर को सिंगल लेटर और टू लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है। मतलब मेरा वेक्टर बी वेक्टर भी हो सकता है, मेरा वेक्टर एसी वेक्टर भी हो सकता है, बीडी वेक्टर भी हो सकता है, ईएफ वेक्टर भी हो सकता है, पीक्यू वेक्टर भी हो सकता है। तो दिस इज नोन एज टू लेटर फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ वेक्टर। लेकिन टू लेटर अगर मैंने यूज किया है तो उसके ऊपर मुझे एक एरो डालनी पड़ेगी टू इंडिकेट दैट इट इज अ वेक्टर। हाँ ना पता नहीं, हाँ ना पता नहीं,
मैं सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सुने ध्यान से, मैं सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं वेक्टर को, या डबल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्या ट्रिपल लेटर से रिप्रेजेंट होता है क्या वेक्टर? नहीं। इधर सिंगल लेटर यूज करोगे या डबल लेटर यूज करोगे? क्या मेरी बात समझ आई है सबको? इज एवरीवन विद मी? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एवरीवन प्लीज। तो सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट होगा या डबल लेटर से रिप्रेजेंट होगा? क्या वेक्टर? ठीक है, तो सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो बी वेक्टर, सी वेक्टर, एफ वेक्टर, वी वेक्टर, कुछ भी, राइट? कुछ भी एक लेटर ले लो, उसके ऊपर एरो डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वेक्टर। या फिर दो लेटर ले लो, उसके ऊपर एरो डाल दो, वो हो जाएगा वेक्टर। क्या बात समझ में आई है? अब सुनो, ये सिंगल लेटर या टू लेटर से रिप्रेजेंट होगा। अब सपोज इसमें से मैंने यूज किया एफ वेक्टर, सुनना ध्यान से, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखे, सुने ध्यान से। एफ वेक्टर जो मैथमेटिकली हमने लिखा है, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे? सबसे पहले देखो, किसी भी वेक्टर में दो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैंने आपको लिखाया था। क्या क्या पार्ट है वो? एक पार्ट कहलाता है मैग और दूसरा पार्ट कहलाता है डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, सुने ध्यान से, मैग्नीट्यूड को लिखने का दो तरीका, मैग्नीट्यूड को लिखने का दो तरीका, फील करें, मैग्नीट्यूड को लिखने का दो तरीका। एक है, इधर आप सिर्फ लेटर लिख दो और उसके ऊपर से एरो हटा दो, that would represent the magnitude of that vector. ये standard nomenclature है। अब कोई बच्चा बोलेगा, सर ये तो आप बोल रहे हो कि हर जगह यही होता है। हाँ भाई, ये standard है, पूरी scientific community इसी को मानती है as magnitude. तो magnitude को represent करने का दो तरीका होता है, कि जो letter के ऊपर vector है, single letter या two letter, vector हटा दो, ऊपर का arrow हटा दो, तो वो बन जाता है magnitude. तो अगर मुझे f vector का magnitude लिखना है, तो मैं magnitude को लिखूंगा either f, मतलब ऊपर का arrow हटा दिया, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं दूसरे तरीके से, एफ वेक्टर और इसको दो वर्टिकल डंडों के बीच में रख दो, एफ वेक्टर और उसको दो वर्टिकल डंडों के बीच में रख दो। सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट? दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के दो तरीके आपने सीखे। क्या कोई भी वेक्टर हो, उसके ऊपर का एरो हटा दो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर हो, उसको दो डंडों के बीच में डाल दो वेक्टर को, तो दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगा? डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा वो वेक्टर में जो ऊपर का एरो है उसको हटा दो और एरो की जगह पे एक टोपी डाल दो ऐसे, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। सपोज आई गिव यू एसी, बस टाइम हो गया है, आई विल लीव यू, टाइम हो गया है, आई विल लीव यू, आई विल लीव यू, आई विल लीव यू, लिसन टू मी, एसी वेक्टर, सुनना ध्यान से, एसी वेक्टर को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा, फाइनली बता दो खटाक से, कौन बताना चाहेगा? Somebody has to raise the hand and they have to speak. Who wants to do that? Who wants to do that? Somebody has to raise the hand and speak. So I'm giving one of you a chance. Yes, please tell me, Ashlesha. Tell me. Jaldi bolo. So, no response. Okay. So I'm getting one more person. Do you want to respond? How to write down? How to write this down? Rucha. Vector is equal to मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द वेक्टर। अब समझने वाली बात कि ये मैथमेटिकल फॉर्म में मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाए, क्विकली बता रहा हूं। कोई भी वेक्टर हो, सिंगल लेटर में लिखा हो या डॉट टू लेटर फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, अगर उसके ऊपर का एरो हटा दो तो वो क्या बनता है? मैग्नीट्यूड। या फिर उस वेक्टर को दो वर्टिकल डंडों के बीच में रख दो तो वो कहलाता है उसका मैग्नीट्यूड। दो तरीके हैं लिखने के, कोई भी तरीका आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन रह सकता है और आपको आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि हाँ ये यही बोलना चाहता है। डायरेक्शन कैसे लिखे? डायरेक्शन लिखने के लिए टू लेटर या सिंगल लेटर फॉर्मेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर का एरो हटा दो, वहां पे एक टोपी डाल दो, कैप, दैट विल बी गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी है पक्का। So I will stop here, guys. We spent some time in basic introduction, but that was needed. So from tomorrow, we will go away straight to, you know, content. ठीक है? चलो, bye, take care. I will send across something to you today, so you will get it, right? चलो, bye, take care. Bye, guys. Bye.